हेलो एवरीवन, ये टेस्ट 17 है। इससे पहले 16 टेस्ट आप देखने के लिए ये यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हम इस टेस्ट को आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 7654197532 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर केवल लिखना है टेस्ट ज्वाइन और मैसेज करना है। इसके बाद 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। 50 सेट इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है। टोटल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस को आप इसके स्टैंडर्ड को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस टेस्ट का प्रथम क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? ये हड़प्पा जो है इसमें लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों पे प्रयोग मिलता है। साथ ही साथ हड़प्पा में जो भी मृदुभांड बनाए जाते थे उसे लाल रंग का प्रयोग होता था और ऊपर से काले रंग का भी उसमें ये निशान लगाया जाता था, लेकिन ऑप्शन में काला नहीं दिया हुआ है, इसलिए ए आंसर हो जाएगा लाल रंग। नेक्स्ट है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? यदि आप पूरे भारत में देखिएगा, प्राचीन, मेडिवल, मॉडर्न, जब कभी भी, तो भू राजस्व की कुछ ना कुछ दर तय होती है और वो वेरियस करते रहता है। कई बार 1/3 आपको मिलेगा, कई बार 1/6 मिलेगा और कई बार तो 2/3 भी आप 1/2 मिलेगा आपको, मतलब हाफ़। और ये कब आ जाता है हाफ़? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में, तो इस तरह से वेरियस करते रहता है। लेकिन धर्मशास्त्र की अगर बात किया जाए, जो धार्मिक ग्रंथ है, उसमें भू राजस्व वसूलने के क्या वो आइडिया दिया गया है, तो उसमें मूल रूप से बात किया गया है 1/6 की है, कि जो भू राजस्व जो है वो राजा को 1/6 उपज का छठा भाग वसूल करना चाहिए। और ये आपको कंटिन्यू एंशेंट इंडिया में आपको दिखेगा। मौर्य पीरियड में भी 1/6 वसूला जाता था, गुप्त पीरियड में भी 1/6 ही वसूला जाता था। तो धर्मशास्त्र की बात किया जाए तो 1/6 और कई सारे पीरियड में वसूला भी गया, लेकिन जो जो शासक चेंज हुए तो कई सारे शासक जो है धर्मशास्त्रों को फॉलो किया, कई सारे नहीं फॉलो किया, तो जो नहीं करते थे तो वो अपने अनुसार वसूला करते थे। इसके साथ ही भू राजस्व के अलावे ये सिंचाई का रेट अलग होता था, कि अगर राजा आपको पानी प्रोवाइड करवा रहा है तो उसके लिए अलग पैसे वसूला जाता था। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? तो आप जानते हैं कि बराबर जो है आजीविकाओं के आश्रय गृह के रूप में किया, और ये किन के द्वारा बनाया गया? तो अशोक के द्वारा बनाया गया था। अशोक और उनके पौत्र दशरथ दोनों ने बराबर को ये आजीविकाओं को गुफा प्रदान किया रहने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो आप जानते हैं कि 14 पूर्व जो है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। वैसे ये 12 अंग, उपांग, उपवर्ग, ये सभी जैन धर्म जो है उन्हीं के ये पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है, और 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक अंग ग्रंथ कहलाते हैं। नेक्स्ट है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? अब जानते हैं कि जो नगरों का क्रमिक पतन है वो कब गुप्त काल में प्रारंभ हो जाता है, जो द्वितीय अर्बनाइजेशन हमारा प्रारंभ हुआ था 600 BC ईसा पूर्व में, 600 BC में, वो धीरे धीरे क्या होता है पतन की ओर बढ़ने लगता है, और कब गुप्त काल में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाता है, और फिर इसके बाद आप देखिएगा कि फिर से 3rd अर्बनाइजेशन आपको प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया। तो चीनी यात्री जो है, चीन से कई सारे यात्री आए हैं, जिसमें 3-4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। अभी जो क्वेश्चन है उसमें इत सिंह के बारे में पूछ रहा है, और इत सिंह जो है बिहार का 673 ईस्वी में भ्रमण किए थे, और इसके साथ ही साथ चीनी जो यात्री है उसमें फाहियान का आपको कई बार पूछा जाता है, तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था फाहियान। इसके बाद आपको दूसरा ह्वेनसांग के बारे में पूछा जाता है, और ह्वेनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। तो इस तरह से ये पूछा जाता है, लेकिन इत सिंह के बारे में अगर पूछ दिया जाए डेट, तो ये 673 ईस्वी में ये आया था। बाकी उन लोगों का पीरियड याद रख सकते हैं, जैसे गुप्तकाल में फाहियान आ रहा है, वही ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय में, तो आपको गुप्त का पीरियड याद है तो आप मार सकते हैं। ह्वेनसांग का पीरियड याद है तो, हर्षवर्धन का पीरियड याद है तो। नेक्स्ट है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमानियों से गोवा छीना। तो हरिहर द्वितीय जो था उन्होंने बहमानियों से प्रथमतः गोवा को छीना था,
और गोवा पर अधिकार कर लिया था। गोवा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोवा दूसरा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री से ही कि पुर्तगालियों ने जो है गोवा कब छीना, तो 1510 में जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क के छीनते हैं 1510 में। और यहाँ पूछा जा रहा है कि ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो उसी तरह विजयनगर हरिहरदित्य जो थे उन्होंने बहमनी से गोवा को छीना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेज़ों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मिलित की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉकिंस जो है उनको उन्होंने इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। तो खान ही कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है खान की उपाधि प्रदान की, वैसे इंग्लिश खान उसको कहा था। और साथ ही उसको मनसब भी प्रदान किए थे, 400 का मनसब प्रदान किए थे, आप पढ़िएगा। और साथ ही उसको दिया गया था किला बनाने के लिए या अपने फैक्ट्री खोलने के लिए, लेकिन हॉकिंस जो है सफल नहीं हो पाए। इसके बाद सर टॉम्स रो को जो है उसी समय आए, और तब टॉम्स रो जो है प्रथम किला की स्थापना किया, हॉकिंस भी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खराज जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर है, उस्र जो है भूमि उत्पाद पर, मुक्ते भी है भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर है। इस तरह से 1 C, AC और D हो जाएगा। लेकिन खोम्स जो है वो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, ये युद्ध में जो लूट लिया जाता था सैनिकों द्वारा उस पर लगाने वाला कर होता था, उसको खोम्स कहा जाता था। और इस तरह से D इसमें 1, 3, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूलिंग की स्थापना में नहीं था। जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये दोनों तो मास्टर होगा क्योंकि इन दोनों ने अलग अलग होम रूलिंग की स्थापना की थी। लेकिन इसके साथ ही साथ कई सारे कांग्रेस के उस समय लीडर जो थे वो भी इनका सहयोग दिए थे, जैसे सर सुब्रमण्यम अय्यर भी है, इसके बाद इनसे जुड़े होम रूलिंग से। लेकिन सर एच ऑलकॉट जो है वो होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं थे। और इस तरह से डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है खुदाई खिदमतगार के संगठन की स्थापना कर रहा है, और ये कहाँ कर रहा है, तो ये भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, इस क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में जो है ये एक अलग सेना बना रहा है अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। और साथ ही साथ उसे एक अलग तरीके के शर्ट भी पहनाए जा रहे हैं, और ये खान अब्दुल गफ्फार खान। और इस तरह से खुदाई खिदमतगार संगठन जो है वो काफ़ी, इसीलिए पूछा जाता है, ये पश्चिम भारत में था। और ये अब्दुल कलाम आज़ाद तो नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था। तो ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन जो है 1927 ईस्वी में किया गया था इनका गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो जानते हैं आप, आनंद पांडे जो है बिरसा मुंडा के गुरु थे, और ये इनके साथ 3 साल तक रहे थे साथ में। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में के किस सुधारक को लोकहितवादी यहाँ लिखेगा कहा जाता था। तो गोपाल हरि देशमुख को जो है ये महाराष्ट्र के सुधारक थे, और इनको लोग लोकहितवादी के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तुरुनेल वेली में भयंकर दंगे हुए थे। 50 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये नाडार लोग जो थे उन्होंने मंडलों में प्रवेश की मांग की, और इसके लिए दंगा हुआ कब, तो ये डेट भी याद रखना है, 1899, स्थान तिरुनेलवेली, और किस लिए, तो मंडल में प्रवेश के लिए, और नाडारो लोग। ये 4-5 क्वेश्चन ये तथ्य आप याद रखेंगे क्वेश्चन से। नेक्स्ट है, किन वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में हुआ था। लेकिन इसी बीच में जब ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट अगर कर दे, सोशलिस्ट अगर जोड़ दे इसमें, तो ये जो हो जाएगा वो 1928 हो जाएगा, और उस समय भगत सिंह सब जुड़े थे। लेकिन यहाँ इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पूछ रहा है, तो ये 1924 में हुआ था इनकी स्थापना। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव एनी बेसेंट को प्राप्त है। और साथ ही अगर पूछ दे प्रथम भारतीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछ रहा है प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये एनी बेसेंट डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
किस ने 1873 में सत्शोधक समाज का स्थापना की। काफ़ी इजी क्वेश्चन और कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में निम्नलिखित में कानून पास हुआ था। 1856 में दो कानून पास हुए थे, पहला एक हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ था और दूसरा धार्मिक असुविधा कानून। धार्मिक असुविधा कानून पास हुआ था जिसके चलते 1857 का विद्रोह हुआ, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है वो राजा राम मोहन, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर सॉरी, उसके सहयोग से पास किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये थे, सती प्रथा के बाद महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। वैसे नर हत्या को अगर इसमें जोड़ दे तो ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एक्ट था हिंदू में, हिंदू प्रथाओं में सुधार को लेकर के। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा के गठन हुई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में पास होता है, और 1773 के पास होने के बाद 1774 ईस्वी में जो है बिहार में इसी एक्ट के तहत बिहार में प्रांतीय सभा के गठन किया गया था। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था अगर बात करें तो ये USA और भारत दोनों में है, तो इस तरह से सी आंसर हो जाएगा। और न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में बताना जरूरी नहीं है, आप जानते हैं, ये साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर आप समझ लीजिए कि जो अगर एक्ट बनाने का, कानून बनाने का जो है पावर किसे दिया गया है, तो विधानसभा को दिया गया है, ये संसद को दिया गया, स्टेट में विधानसभा को दिया गया है। तो ये जो संसद बनाती है कानून, वो डिक्टेटरशिप जैसे कानून न बना दे, तो इसलिए न्यायिक पुनर्विलोकन का व्यवस्था रखा गया है, ताकि उस कानून को पुनर्विलोकन किया जा सकता है कि वो मानव का ये प्रोग्रेसिव कानून है या नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। 22, तो 22 का डी हो जाएगा, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघ, उच्चतम न्यायालय, ये दोनों जो है पाया जाता है, लेकिन एकल नागरिकता नहीं पाया जाता है। ये भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता की प्रथा है। अमेरिका में स्टेट के लिए अलग से नागरिकता प्रदान किया जाता है और सेंट्रल के लिए अलग से। संविधान की तीन सूचियाँ भारत में दिया गया है, लेकिन अमेरिका में इस तरह से नहीं दिया गया, दो सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका की त्रिस्तरीय व्यवस्था ये भारत में है, और वहाँ दोहरी व्यवस्था है, एक स्टेट और सुप्रीम कोर्ट वहाँ अमेरिका का सेंट्रल के लिए। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन एकल व्यवस्था है वहाँ न्यायपालिका का, यहाँ ये जो है ये त्रिस्तरीय व्यवस्था, तो हम लोग का जिला ये स्टेट और सेंट्रल को मिला करके त्रिस्तरीय व्यवस्था है। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की सूची में सम्मिलित है, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत है आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो आप जानते हैं कि 1942 का जो एक्ट पास हुआ, 1976वां संविधान संशोधन, जब ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब पास हुआ तो क्या हुआ, ये इसको लघु संविधान भी कहा जाता है इस संशोधन को, क्योंकि इतनी सारी व्यवस्थाएं इसमें किया गया, तो उसमें ये सब कुछ विषय जो थे उनको भी समवर्ती सूची में लाया गया था, जैसे जिसमें शिक्षा महत्वपूर्ण था, और इसके अलावा ये सब भी विषय थे जो उसको लाया गया था, तो इसमें शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो BN Rao के द्वारा प्रथम प्रारूप भारतीय संविधान का तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो अब जानते हैं 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, तो यहाँ बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आते हैं, तो भूमि सुधार जो है राज्य सरकार के राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR का अध्यक्ष कौन है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वही CSIR का अध्यक्ष भी होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो है वो कई सारे डिपार्टमेंट का अध्यक्षता करते हैं, आप इसको सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 वर्ष चाहिए, और ये लोकसभा का जो एज है उससे आप तुलना करके देख सकते हैं। 21 साल में आप जो है 21 साल के लिए पंचायत का जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं उन पंचायत के जो पद होते हैं उन पे आप खड़ा हो सकते हैं, उनके लिए आप चुनाव लड़ सकते हैं। 30 साल जो है वो ये राज्यसभा के लिए जो होता है, और विधान परिषद के लिए, और 35 साल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद के लिए रखा गया है एज का।
नेक्स्ट है, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो ये 6 माह के बाद जो है उसे मुक्त कर दिया जाता है, वह यदि किसी भी सदन का मेंबर नहीं बन पाते हैं तो 6 माह तक यहाँ रह सकता है वो मंत्री के पद पर। नेक्स्ट है, भारतीय नवाचार नयाचार के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन सा होगा? तो आप जानते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति आता है, फिर उपराष्ट्रपति, फिर राज्यपाल अपने अपने ये राज में, तो उसी हो जाएगा। इसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव जो होते हैं सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ये 1855-56 में 33 का आंसर बी हो जाएगा। ये भागलपुर राजमहल का क्षेत्र है जहाँ संथाल जो है ये थे, और संथाल सिंधु कान्हू ये सब जो थे इनके नेता थे, और इन्होंने क्या किया था, भागलपुर राजमहल में अपनी सरकार की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली है, तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, और कभी कभी स्टेट का ये जगह का नाम न दे करके स्टेट के बारे में पूछ लिया जाता है कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कि इस हिंदू त्यौहारों को थारू लोग शोक के रूप में मनाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थारू मनाते हैं शोक के रूप में, तो ये दीपावली जो है इसको थारू लोग शोक के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन धौलाधार श्रेणी के प्रमुख जनजाति है? 36 का बी हो जाएगा, ये गद्दी लोग जो होते हैं धौलाधार श्रेणी के प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट है, पूर्वा धौली गंगा सहायक नदी है, पूर्वा धौली गंगा जो है वो किसकी सहायक है? तो ये बी हो जाएगा, काली नदी की सहायक है पूर्वा धौली गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? स्टेनलेस स्टील जो है ये क्रोमियम और निकेल जो है प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो ये क्रोमियम जो है धब्बा रहित लोहे बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, भिला स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो ये रूस का है भिला स्टील प्लांट जो है भारत सरकार के साथ साथ। नेक्स्ट है, भारत में रबर उद्योग स्थित है कहाँ है? तो ये पंजीम जो है यहाँ रबर उद्योग स्थित है पंजीम में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात जो है रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पेट्रोल ये रसायन कारखाना स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? तो यह हैदराबाद में है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है किसको? तो ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए जो है नाबार्ड ये पुनर्वित्त प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा किसान क्रेडिट कार्ड के स्कीम से आच्छादित है? किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से 45, तो 45 का एक हो जाएगा उपभोग एवं साख निवेश, ये साख एवं निवेश साख जो है कृषि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी की स्थापना की गई है कब के किया गया? 46 का बी हो जाएगा, ये सिडबी की स्थापना हुई है, ये लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए सिडबी की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1975 में जो है RRB रीजनल रूरल बैंक इसको कहा जाता है। 1975 में महबूब उल हक जो है इनका कंसेप्ट लाए थे, 1975 में इनका स्थापना हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? 48 का डी हो जाएगा आपका, ये भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, मुद्रा में की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा हो गया कब हो गया? 49, तो 49 का सी हो जाएगा, 1 जून 1964 को हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है? तो ये जो अवरक्त तरंग होते हैं इनका प्रयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग कौन सी है? 51 का डी हो जाएगा, माइक्रोवेव का उपयोग दूर संचार के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतों के रोगों के निदान में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का प्रयोग आंतों के रोगों के निदान में किया जाता है। नेक्स्ट है, CT स्कैन
करने में प्रयोग में लाई जाती है कौन से किरणें? तो एक्स किरणें जो है सीटी स्कैन प्रयोग करने में लाया जाता है। नेक्स्ट है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये 16.5 मीटर, ये ऑलमोस्ट 17 मीटर माना जाता है, लेकिन 16.5 मीटर होगा स्पष्ट दूरी स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए। नेक्स्ट है, प्रासरव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, इसमें तीन कैटेगरी होते हैं ध्वनि का, एक अपसरव होता है, एक श्रव होता है और तीसरा प्रासरव होता है। तो अब श्रव जो होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज़ से कम होता है, प्रासरव 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक, और इस तरह से श्रव ध्वनि जिसे हम सुनते हैं उसको 20 और 20 हर्ट्ज़ से के बीच के ध्वनि कहा जाता है। सॉरी, अब श्रव ध्वनि जो होता है वो 20 हर्ट्ज़ से कम होता है, 20 हर्ट्ज़ और 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच जो होते हैं उसको सुनते हैं उसको श्रव ध्वनि कहा जाता है, और उससे ऊपर का जो होता है उसको अपश्रव कहा जाता है। ये 20 प्रासरव ध्वनि 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक जैव पद्धति जिसमें प्रासरव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो ये 56 का आपका आंसर हो जाएगा, ये ए सोनोग्राफी हो जाएगा जिसमें प्रासरव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो ये प्रासरव तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राध्वनि के जेट प्यूरान के कारण होता है, क्या होता है? तो ओजोन लेयर में बाधा होती है अगर ये प्राध्वनि का जेट जो उड़ान होता है उससे। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में कौन है? तो आप जानते हैं तारापुरम, ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में भारत का प्रथम जो है परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 60, भारत की न्यूक्लियर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो ये यूरेनियम 238 का उपयोग न्यूक्लियर में किया जाता है, भारत न्यूक्लियर में। नेक्स्ट है, ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस से क्या समझते हैं? तो भारतीय शोध रिएक्टर है ध्रुव पूर्णिमा साइरस। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र फोर भूकंपीय पेटी में स्थित है? तो ये नरोला जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये भूकंप पेटी फोर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक का प्रयोग करता है? तो ये द्रवित सोडियम का जो है प्रयोग करता है कल्पक्कम का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। नेक्स्ट है, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो 65C हो जाएगा इसमें, जो केवल हैवी वाटर प्रयोग में जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उसमें अधिक उत्पन्न करता है उसको एक ब्रीडर रिएक्टर के किसको कहा जाता है? जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है? तो ये ओम जो होगा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण हृदयघाट से संबंधित नहीं है? तो अगर टांग में दर्द हो रहा है तो वो हृदयघाट से संबंधित नहीं है, बाकी सीने में दर्द संबंधित है, पसीना जी मचलाना भी है और बांह में दर्द एवं झंझनाहट भी है। नेक्स्ट है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजाती है ये कहाँ? हृदय स्पंदन 69 नंबर क्वेश्चन, 69 का सी हो जाएगा आपका, ये हृदय में उपजती है और उससे होता है स्पंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त होता है, यह एक संयोजी ऊतक होता है रक्त, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो ये मानव रक्त में पाए जाने वाले तत्व होते हैं हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है किसके कारण? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल। नेक्स्ट है, किस प्राणी के जीव दर में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केचुआ में जो है हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। नेक्स्ट है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाने का कार्य जो है रक्त ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में का औसत चाप कितना होता है? यह औसत रक्तचाप तो 120/82 जो है मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। नेक्स्ट है, जब एक व्यक्ति वृद्ध होता जाता है तो सामान्यतः तो उसके रक्त का दाब क्या होता है? आप आसानी से ये आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, रक्त दाब उसका बढ़ेगा ही और बढ़ते चले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
77 इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? इसमें ह्यूमन इरर कह सकते हैं इसको, ये छूट गया है या फिर डिलीट हो गया है। इसमें स्फेग्नोमैग्नोमीटर हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गया जिले के अवसाद से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? 78, 78 का ए हो जाएगा, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। बिहार से जो अवसाद अभिलेख प्राप्त हुआ है, अवसाद अभिलेख, उसे परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य कौन से हैं? बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य 79 का ये अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में बिहार का वर्णन मिलता है और यह सर्वाधिक प्राचीन साहित्य माना जाता है इनमें, इन चारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा के सरायकेला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है क्या? तो अर्टिका सी हो जाएगा, ये पाल काल का बौद्ध जो है, ये नालंदा के सरायकेला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्व थे, ये कनिंघम थे बिहार में जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। नेक्स्ट है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो ये शेरशाह से संबंधित है, और प्रथम ये शेरशाह बिहार का शासक था जिन्होंने दिल्ली के गद्दी पे भी बैठा था। नेक्स्ट है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि कौन सी है? तो बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि ब्राह्मणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की थी? 85, 85 का ये है, गुलाम हुसैन तबत बाई जो है, सियर उल मुताखरीन की रचना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? ये 86, 86 का आपका सी हो जाएगा आंसर। ये अकबर जो है पहला मुगल शासक था जिनका अभिलेख बिहार में मिला। नेक्स्ट है, किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी जो है, ये बिहार और नेपाल के सीमा पर कह सकते हैं, पश्चिम चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? 88, 88 का डी हो जाएगा इसमें, उपयुक्त सभी है इसमें, उपयुक्त सभी का अर्थ ये गंगा सोन दोआब भी होगा, मगध का मैदान भी होगा और गंगा का अंग का मैदान भी होगा। गंगा सोन दोआब भी, मगध का मैदान भी है और अंग का मैदान भी है, इस तरह से डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल भाग में उत्तर से है, 89 ए हो जाएगा, ये उत्तर से दक्षिण पूर्व स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? 90 का बी हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर है प्रति किलोमीटर गंगा के मैदानी भाग की ढाल। नेक्स्ट है, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में पहाड़िया है, 91, 91 का ए हो जाएगा, धारवाल कालीन क्वार्टर जैट पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का दियार भूमि कहा जाता है किसे? 92 का ए हो जाएगा, गंगा से पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र जो है उसको दियार भूमि कहा जाता है, गंगा से पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र को दियार भूमि। नेक्स्ट है, गंगा के उत्तरी मैदानी भाग कौप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है? 93 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सी हो जाएगा, दियार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदानी भाग की मिट्टी किस प्रकार की है? 94, 94 का बी हो जाएगा, अपोर मिट्टी, गंगा मैदानी भाग के, गंगा के मैदानी भाग की मिट्टी जो है अपोर मिट्टी कहलाती है। नेक्स्ट है, बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? 95 का डी हो जाएगा, ये सहरसा में, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सभी जगह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र के मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? 96 का डी हो जाएगा आपका, नवादा में जो है मिट्टी चमकती प्रतीत होती है। नेक्स्ट है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर जो है इसे भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में राजकिशोर देवी कहाँ नमक आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया है? 98, 98 का सी हो जाएगा, ये दरभंगा में सक्रिय जो है योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा कुमारी देवी बिहार में मुख्यतः कहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई?
99 का डी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में जो है शारदा कुमार बिहार में सक्रिय भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के बक्सर में सिद्धाश्रम की स्थापना किसने की थी। 100 का सी हो जाएगा, महर्षि विश्वामित्र द्वारा जो है सिद्धाश्रम की स्थापना किया गया था बक्सर में महर्षि विश्वामित्र द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र को 60 वर्ष बढ़ाकर निम्न में से कितने वर्ष कर दिया। 101 ये 62 वर्ष कर दिया है LIC के चेयरमैन के आयु को, सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर। नेक्स्ट है, कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली है, भारत की पहली तैराक बन गई है। 102 का डी हो जाएगा, माना पटेल जो है ये क्वालिफाई करने वाली, ये तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई है माना पटेल। नेक्स्ट है, भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है। 103 का सी हो जाएगा, 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने नियर अर्थ ऑब्जर्वेट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर टेलीस्कोप के कार्यकाल में कितने वर्ष का विस्तार किया है। 104 का ए हो जाएगा आंसर आपका, 2 वर्ष के लिए विस्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 105, हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद किस देश के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। 105 का सी हो जाएगा, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106, हाल ही में आंध्र प्रदेश और किस राज्य के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है, तो ये तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है, तो ये MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह 3E लॉन्च किया है, FY 3E लॉन्च किया है, तो ये चीन द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि बेहतर मौसम पूर्वानुमान लगाया जा सके। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जानते हैं दिलीप कुमार, काफ़ी फेमस ये एक्टर रहे हैं अपने जीवन अपने करियर में और इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने चीन, थाईलैंड, कोरिया और 3 अन्य देशों से तांबे के कुछ उत्पादों का आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का निर्णय लिया, तो ये भारत द्वारा निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 111 का बी हो जाएगा, वीरभद्र सिंह का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 112 का सी हो जाएगा, सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। 113 का डी हो जाएगा, मत्स्य जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 1.46 लाख करोड़ रुपये की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। 114 का ए हो जाएगा, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 115, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, तो ये जापान का जो पासपोर्ट है दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। नेक्स्ट है, श्रीलंका देश के नए वित्त मंत्री निम्न में से कौन बन गए हैं। 116 ये बासिल राजपक्षे जो है श्रीलंका के नए वित्त मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट है, महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल निम्न में से किस देश में किया जाएगा। 117 का डी हो जाएगा, भारत में किया जाएगा महिला फुटबॉल विश्व कप एशियाई कप 2022 का आयोजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत में किया जा रहा है तो। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है, तो ये राजस्थान द्वारा बनाया गया है, राजस्थान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 119, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके दिशा निर्देशन और प्रोविजंस का पालन नहीं करने के लिए देश के कितने बैंकों पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है। 119
सी हो जाएगा 14, ये 14 देश पे 14 ये बैंकों पे जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट है गरीबी उन्मूलन हेतु काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम के द हंगर वायरस मल्टीप्लाज रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर मिनट में निम्न में से कितने लोगों की भूख के कारण मौत हो जाती है। 120 का बी हो जाएगा, 11 लोगों की मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई है। 121 का बी हो जाएगा, 10% जनसंख्या जो है कुपोषण के शिकार हुई है। नेक्स्ट है 122, निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 को स्थगित करने का फैसला किया। तो ये हरियाणा द्वारा फैसला लिया गया है, 122 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गया है। 123 का डी हो जाएगा, ये क्रिस गेल जो है ये 14,000 रन बनाने वाले T20 में दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गया है। 123 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, यूके ने 50 वर्ष में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया है। तो ये भारत को पहली बार निर्यात किया है 50 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथी पॉक के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो ये महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, ICC की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में वेस्ट इंडीज के निम्न में कौन सी महिला क्रिकेटर मिताली राज को पछाड़ कर वनडे की प्रथम रैंकिंग की खिलाड़ी बन गई है। 126 का बी हो जाएगा, ये स्टेफनी टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, NTPC ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्न से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है। 127 का ये हो जाएगा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, किस देश ने 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने हेतु भारत के सतलज जल विद्युत निगम के साथ $1.3 बिलियन का समझौता किया। 128 सी हो जाएगा, ये नेपाल द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, भारतीय रिजर्व बैंक ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर निम्न से किस पर कार्रवाई करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 129 का ये काफ़ी फेमस कार्ड है, मास्टर कार्ड, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। 28% कर दिया है महंगाई भत्ता बढ़ाकर। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। 131 का ए हो जाएगा, मणिपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इजराइल के तेल अबीब में पहला दूतावास खोल दिया है। इजराइल के तेल अबीब में, तो ये UAE द्वारा खोला गया है इजराइल के तेल अबीब में पहला दूतावास। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिए। 133 का ये हो जाएगा, रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेजा जा रहा है या भेजा भेज दिया है। 134 का बी हो जाएगा, 228 लोगों का दल, जिसमें 119 एथलीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भीम UPI को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया। तो ये भूटान में लॉन्च किया गया है भीम UPI को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज ATM खोला गया। तो हरियाणा का ये 136 का गुरुग्राम में जो है पहला अनाज ATM खोला गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दिए। 137 का डी हो जाएगा, डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, भारत के जयनगर के से किस देश के कुर्था के बीच 18 जुलाई को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया। तो ये जयनगर नेपाल के करीब है और नेपाल में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, किस देश ने अपने चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूल छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया है। 139 का बी हो जाएगा, चीन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब निम्न में से किसने जीता है। 140 का ए हो जाएगा, ये लुइस हैमिल्टन द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है? 141 ये हो जाएगा, ये त्रिपुरा द्वारा अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने की पहल शुरू किया गया है त्रिपुरा द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन उद्यम अभियान लॉन्च किया? 142 का बी हो जाएगा, अर्जुन मुंडा द्वारा जो है कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन उद्यम अभियान लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने रैमसमवेयर हमले को शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है? 143 का ये 143 का डी हो जाएगा, अमेरिका द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को निम्न से किस जगह लगाएगी? 144 का बी हो जाएगा, मथुरा में लगाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, हाल ही में किस देश ने हज में शामिल होने वाले महिलाओं के लिए पुलिस अभिभावक की आवश्यकता को हटा दिया? 145 का सी हो जाएगा, ये सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, हाल ही में किस देश ने मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? किस देश में, तो ये चीन में सामने आया है मंकी बी वायरस से संक्रमित होने का पहला मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए कितने कंपनियों को मंजूरी दी है? 147 का डी हो जाएगा, 7 कंपनियों को मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट है, DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाले किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? 148 का बी हो जाएगा, आकाश का सफल परीक्षण किया गया है DRDO द्वारा, ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है? 149 ए स्टैंड अप इंडिया, काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है, इसको 2025 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य और वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया है? 150 का सी हो जाएगा, ये 30 गीगावाट जो है 2022 तक 5 गीगावाट और 2030 तक 30 गीगावाट का लक्ष्य ये घोषित किया गया है। इस तरह से आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही टाइम टू टाइम अपडेट के लिए आपको आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।